को स्वागत आप सभी का हमारे वीके स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा नाभी एप्लीकेशन में गोल्ड किस तरह से परचेस करते हैं, नाभी एप्लीकेशन में गोल्ड किस तरह से सेल करते हैं। मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ मतलब कि आप नाभी एप्लीकेशन में सोना कैसे खरीद सकते हो और सोने को किस तरह से बेच सकते हो, मैं आज की इस वीडियो पर आपको बताने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको फुल डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो को आप आखिरी तक वॉच करिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। नाभी एप्लीकेशन क्या है? नाभी एप्लीकेशन से आप लोन ले सकते हो एंड आप गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने के लिए मिल जाता है। और गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर आप नाभी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करोगे हमारी दी गई लिंक से तो आपको 100 रुपये का कैशबैक फ्री में मिल जाएगा। एंड अगर आप उसी लिंक को किसी अपने फ्रेंड को शेयर करते हो और आपका फ्रेंड भी डाउनलोड करता है और गोल्ड को परचेस करता है तो आपको भी 100 रुपये फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको माय रिवार्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है और देख सकते हो मुझे 10 रुपये का रिवार्ड मिला है। तो इधर पर आपको पूरे के पूरे रिवार्ड आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, आपको लिंक दे दी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो आपको नाभी एप्लीकेशन में 100 रुपये फ्री में मिल जाएंगे। तो गाइस अब मैं बात कर लेते हैं आपको गोल्ड को किस तरह से परचेस करना है, किस तरह से आपको सेल करना है। तो गाइस उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जैसे नाभी एप्लीकेशन को ओपन करोगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। नीचे की तरफ आपको इधर पर इन्वेस्टमेंट वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो आपको इधर पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो इधर पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा डिजिटल गोल्ड का, तो आपको डिजिटल गोल्ड वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप डिजिटल गोल्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अगर आपने गोल्ड पहले से जैसे आप खरीद लेते हैं गोल्ड को तो वो आपको इधर पर देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि मैंने गोल्ड पहले से खरीद रखा है एंड मैं आपको और गोल्ड को परचेस करके खरीद के बताने वाला हूँ। तो इधर पर आपको देखने के लिए मिलेगा इंटर अमाउंट, तो आपको जितने रुपये का भी गोल्ड को परचेस करना है तो आपको उतना रुपये इधर पर लिखना है। जैसा कि मैं इधर पर 10 रुपये को इधर पर लिख देता हूँ, तो इधर पर मैं बैक हो चुका है तो मैं इधर पर लिखूंगा 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये लिखने के बाद आपको प्रोसेस टू बॉय वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। एंड गाइस जैसे आप इधर पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा एंड इधर पर आपको अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो इधर पर मेरे फ़ोन में ऐड आ चुकी है, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा और इधर पर आप देख पाओगे तो इधर पर आपको पे करना पड़ेगा 10 रुपये 30 पैसे। ठीक है, तो इधर पर मेरे अभी जो अकाउंट में इतना पैसा नहीं है तो मैं एक बार बैक करूंगा और इधर पर मैं अमाउंट कम लिख लेता हूं। ठीक है, तो मैं इधर पर लिखूंगा 8 रुपीज़ एंड प्रोसीड टू वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूं। अब मुझे पे करना पड़ेगा 8 रुपये 24 पैसे। ठीक है, तो मैं पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूं और जैसे मैं इधर पर पे वाले ऑप्शन में क्लिक कर देता हूं तो कुछ इस तरह की लोडिंग्स वगैरह होने वाली है, तो इधर पर हमको वेट कर लेना है। अगर गाइस आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप भी चैनल में पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। अब आपको पेमेंट किस एप्लीकेशन से करना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं फ़ोनपे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो आपको इधर पर थोड़ा सा वेट कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा, आपको पे वाले ऑप्शन में क्लिक करना है एंड आपका जो भी यूपीआई पिन है आपको अपने यूपीआई पिन को इंटर कर देना है। तो जैसे कि मैं अपने यूपीआई पिन को इंटर कर देता हूं, उसके बाद आपको सही वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है एंड इधर पर आपके सामने आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल भी बैक वगैरह नहीं करना है, इधर पर आपसे परमिशन मांगेगा अलाउ की, तो आपको अलाउ वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और अलाउ करने के बाद आपको इधर पर वेट करना है। आपको स्क्रीन पर बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं करना है क्योंकि एक प्रोसेसिंग चलने वाली है। अगर आप बैक कर दोगे तो आपका पैसा कट जाएगा और गोल्ड परचेस नहीं होगा, इसलिए आपको बैक नहीं करना है। अब देखो इधर पर हमारा गोल्ड परचेस हो चुका है, उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है
जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। जो भी गोल्ड आपने परचेस किया वो आपको इधर पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब आपको जाना बैक, कुछ इस तरह से आपको बैक आ जाना है। एंड इधर पर आप देखोगे हमारा टोटल गोल्ड 28 रुपये का हो चुका है, पहले हमारा गोल्ड 20 रुपये का था। तो इस तरह से आप गोल्ड को परचेस कर सकते हो। अगर आपका गोल्ड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप किसी रीज़न से गोल्ड को बेचना चाहते हो ताकि आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाए, अगर आपको फ़ायदा होता है गोल्ड में, आपका गोल्ड का रेट बढ़ गया है और आप सोचते हो कि हमको फ़ायदा हो जाएगा, पैसे निकाल लेते हैं, तो इसके लिए आपको कैसे सेल करना, कैसे बेचना है, तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है। और नीचे की तरफ आने के बाद इधर पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सेल गोल्ड का, तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेल गोल्ड वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस वगैरह आ जाएगा। इस तरह का इंटरफेस वगैरह आपके सामने आ जाएगा तो इधर पर आप देखोगे आपको इंटर अमाउंट वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको जितने रुपए का भी गोल्ड को सेल करना उतना आप अमाउंट लिखोगे कुछ इस तरह से। अमाउंट लिखने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। उसके बाद आपकी जो भी UPI ID ऐड है वो आपको इस तरह से देखने के लिए मिलेगी। तो आपको अपनी UPI ID को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सेल न्यू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और आपको प्रोसेस वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। इस तरह से आपके सामने प्रोसेसिंग चलने वाली, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप गोल्ड को परचेस करते हो और आप गोल्ड सेल करना चाहते हो तो आप तुरंत सेल नहीं कर पाओगे। जैसा कि आप आज की डेट में परचेस करोगे तो आपको एक दिन बाद ही आप सेल कर पाओगे। तो देख सकते हो इधर पर हमारा सेल इन प्रोसेसिंग में चला गया, मतलब कि ये थोड़ी देर बाद हमारा जो गोल्ड है वो सेल हो जाएगा। तो इधर पर थोड़ा बहुत इशू आ सकता है आपको, जैसे कि इधर पर मेरे को एक इशू आ चुका है, इधर पर प्रोसेसिंग में चला गया गोल्ड सेल, तो ये थोड़ी देर बाद क्लियर हो जाएगा और हमारा गोल्ड सेल हो जाएगा। वैसे यही एक प्रोसेस है, इधर से ही आप अपने गोल्ड को सेल कर सकते हो। तो मैं एक बार फिर से कोशिश कर लूँगा। तो अभी जो प्रोसेसिंग में चला गया जैसा कि आप देख सकते हो, तो इधर पर मैं वेट करूँगा और मेरे पास कितना पैसा बचा है आप इधर पर देख पाओगे। तो मैं एक बार फिर से सेल गोल्ड वाले ऑप्शन में जाऊंगा, इधर पर मैं अमाउंट लिख दूंगा और इधर पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपनी एक UPI ID सिलेक्ट करके प्रोसेस वाले ऑप्शन में फिर से क्लिक कर देता हूं। एंड फिर से एक इस तरह की प्रोसेसिंग चलने लगती है जैसा कि आप देख सकते हो। तो इधर पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे और आप गोल्ड को परचेस करोगे तो आपको कैशबैक भी मिलेगा। एंड अगर आप अपने फ्रेंड को डाउनलोड करवाते हो आपकी लिंक से और आपका फ्रेंड डाउनलोड करके गोल्ड परचेस करता है कितने भी रुपए का, 10 रुपए का ही, तो आपको 100 रुपये फ्री में मिल जाते हैं। तो ये एक ऑफर चल रहा है अभी। तो देख सकते हो प्रोसेसिंग चल चुकी है। तो अभी जो गोल्ड है प्रोसेसिंग में फंस गया है, तो अभी जो नेटवर्क इशू के कारण या सर्वर डाउन के कारण अभी हमारा प्रोसेसिंग में फंस गया। वैसे आप इस तरह से गोल्ड परचेस कर सकते हो और इसी तरह से आप सेल भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।